नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। जैसे कि ये आपको पता है, ये तीसरी वीडियो है वृंदावन दर्शन यात्रा की। तो इस्कॉन टेंपल में हम दर्शन करने गए थे, वहाँ की वीडियो है, आप दर्शन करें इस्कॉन टेंपल के। और पिछली दो वीडियोस पर भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, इसलिए मैं तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। और मैंने एक सवाल भी पूछा था कि क्या आप तीसरी वीडियो को देखना चाहते हैं वृंदावन दर्शन की, तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे उसमें यस में आप लोगों ने बटन दबाया था, तो मैं ये तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। ये इस्कॉन टेंपल मंदिर है, इसे अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहा जाता है वृंदावन में। और बांके बिहारी मंदिर से आपको यहाँ के लिए रिक्शा मिल जाएगा, तो आप दर्शन करें। यहाँ पर भी कुछ कुछ जगह पर वीडियो बनाने की मनाही होती है, इसलिए जहाँ जहाँ पर भी वीडियो बनाने की इजाज़त होती है, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई है, आपको अच्छी लगेगी। और काफ़ी भव्य मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है, आप ज़रूर वृंदावन जाएं तो इस्कॉन टेंपल ज़रूर घूमने जाएं, एक बार ज़रूर दर्शन करने जाएं। यहाँ पर प्रभुपाद जी के दर्शन होते हैं, प्रभुपाद जी की मूर्ति बहुत सुंदर स्वरूप में विराजमान है। और ये आप देखें, ये मुख्य मंदिर है, यहाँ पर भी फ़ोटो खींचने की मनाही होती है, इसलिए मूर्ति के दर्शन, विग्रह के दर्शन नहीं कर सकते हैं वीडियो में, ये आपको मूर्ति के दर्शन वहाँ पर जाकर ही करना पड़ेंगे। और ये देखें आप, भक्तों का जमावड़ा, काफ़ी भक्त वहाँ पर आपको विराजमान मिलेंगे, अंग्रेज भी आपको काफ़ी मिलेंगे इस मंदिर में, और नाम ही इसका अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहते हैं वृंदावन में से, तो वहाँ पर आपको अंग्रेज़ भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। भगवान के भी सुंदर विग्रह विराजमान हैं, और भी कई स्थान हैं इसी मंदिर के अंदर। जैसे देखें आप, कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं इस मंदिर में, ये देखें यहाँ पर सुंदर स्वरूप विराजमान है, भगवान ब्रह्मा जी का ये स्वरूप है, भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति है ये, और सुंदर सजाया गया है इस मंदिर को। ये देखें कितने सुंदर स्वरूप नारद जी के हैं, ये संत ऋषियों के, चैतन्य महाप्रभु आदि के, ये प्रभुपाद जी का सुंदर स्वरूप के दर्शन करें आप सुंदर स्वरूप के, ये प्रभुपाद जी कुछ लिखते हुए, और ये अलग अलग उनके द्वारा क्रियाओं को करते हुए दिखाया गया है। ये देखें आप, बहुत ही भव्य मंदिर है, और आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें उस मंदिर के अंदर कितना सुंदर पृथ्वी का स्वरूप बताया गया है, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जगन्नाथ जी के यहाँ पर कीर्तन करते हुए बताया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इसी तरह की और भी वीडियोस देखते रहें। और ये भगवान का स्वरूप बताया गया है, इसमें भगवान राम भगवान कृष्ण को एक साथ दर्शाया गया है एक ही चित्र में। और ये देखिए कितनी सुंदर स्वरूप राधा कृष्ण का चित्र, राधा कृष्ण की मूर्ति सुंदर स्वरूप में सजाए गए हैं। इस तरह से आप इस्कॉन टेंपल में अंदर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और ये इस्कॉन टेंपल से हम निकल के आप चित्रकूट अखंड सच्चिदानंद धाम आश्रम में आए हैं, मंदिर है वहाँ पर, जिसमें कि भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, और भगवान गणेश की भी बहुत बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर को बड़े हनुमान बड़े गणेश के मंदिर के नाम से भी वृंदावन में जानते हैं। आप अगर टैक्सी वाले से कहेंगे तो टैक्सी वाला आपको इस मंदिर के दर्शन भी कराने के लिए लाएगा। और ये प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेंपल के बीच में पड़ता है, तो आप टैक्सी से जाते हुए भी इस मंदिर को दूर से भी देख सकते हैं। वैसे इस मंदिर का या इस आश्रम का नाम है चित्रकूट अखंड सच्चिदानंद धाम। यहाँ पर बहुत बड़े हनुमान जी और बहुत बड़े गणेश जी की मूर्तियां हैं। और ये देखिए पीछे से उस मंदिर के दृश्य हैं, ये भगवान की मूर्तियां पीछे से कितनी बड़ी और कितनी भव्य मूर्तियां हैं। और वीडियो में ये मूर्तियां उतनी बड़ी नहीं दिख रही हैं, अगर आप सामने इन मूर्तियों के दर्शन करेंगे तब आपको महसूस होगा ये कितनी बड़ी मूर्तियाँ हैं। ये देखें, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा प्रेम मंदिर के लिए। तो प्रेम मंदिर जाते हुए रास्ते ये चित्रकूट आश्रम के बाहर का गेट है, ये देखें भगवान गणेश के दर्शन करें, और ये भगवान हनुमान जी के दर्शन करेंगे। ये बाहर से ऐसे दिखता है वह मंदिर, चित्रकूट अखंड सच्चिदानंद धाम। अब हम जब
प्रेम मंदिर के लिए जाते हैं तो रास्ते में चिंतामणि कुंज पड़ता है, जिसमें कि माता माँ शेरावाली की मूर्ति विराजमान है, माता का मंदिर है। यह भी बहुत ही भव्य मंदिर है। तो आप जब भी स्कॉन टेम्पल से प्रेम मंदिर के लिए जाएं तो रास्ते में आपको दाहिने बगल ये मंदिर जरूर पड़ेगा और आप दर्शन करने के लिए इस मंदिर में ज़रूर पधारें। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही दर्शनीय मंदिर है। इसमें माता का स्वरूप विराजमान है, ये देखें, ये स्वरूप विराजमान है। हरे कृष्ण नित्यानंद गौर प्रभु का प्रभु के स्वरूप हैं ये है। और ये माता का स्वरूप यहाँ पर, अष्टादश भुजा दुर्गा देवी का स्वरूप है यह। और ये राधा कृष्ण का स्वरूप। तो इस मंदिर के भी आप दर्शन करने जरूर आए। जब भी आप वृंदावन आए तो आप प्रेम मंदिर के पास में ही यह मंदिर पड़ता है, चिंतामणि कुंज नाम से ये मंदिर है। और प्रेम मंदिर जिस तरफ है उसी साइड में, रोड की उसी साइड में यह मंदिर भी आपको पड़ता है। कितना भव्य स्वरूप आप देखें, बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं इस मंदिर में भी। तो जब भी आप वृंदावन में आए तो इस मंदिर में भी आप जरूर पधारें। इसके बाद में हम सीधे इस आश्रम से बाहर निकले हैं और इस आश्रम से निकलकर हम अब सीधे प्रेम मंदिर के लिए चलेंगे। तो वह प्रेम मंदिर के संपूर्ण दर्शन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में हमने तीन मंदिरों के दर्शन किए हैं और अगली वीडियो जो लास्ट कड़ी है वृंदावन दर्शन यात्रा की, उसमें हम प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसमें कि जो रात्रि में लाइट शो होता है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और मेरा उत्साह बढ़ाएं, इसलिए आप लाइक करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि आपको और किन किन विषयों में और क्या क्या देखना है वृंदावन में, वृंदावन के विषय में आपको और क्या क्या देखना है, वृंदावन के बारे में आप और क्या क्या जानना चाहते हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। ज्वाइन बटन को दबाकर आप चैनल के मेंबर ज़रूर बनें। और अगर आप वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और आप चैनल का कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो थैंक्स बटन, उसे दबाकर आप चैनल का सहयोग ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।